ये आपके वालिद का खून है इसके ऊपर। मैंने अपने वालिद को दी थी ना, रश बहुत थी ना वंडी की गाड़ी में। हम लोग वंडी की गाड़ी में रिटर्न आ रहे थे, मेरा पेपर हो चुका था तो रश बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पास पाउच था कॉलेज का, बैग था पूरा, तो फिर मैंने अपने वालिद को दे दी थी। उनको सीट मिल गई थी तो वो बैठ गए थे, तो मैंने दे दी थी। आप बस में बैठे दोनों? जी नहीं, मैं मुझे सीट नहीं मिली थी, मैं खड़ी हुई थी। और मेरे हाँ मेरे अबू को किसी ने सीट दे दी थी, वो भरी हुई बस में हम लोग बैठे थे और फिर वो बैठ गए। तो मैंने देखा मेरे वालिद बैठ गए, तो मेरे हाथ में बैग था और पानी का बॉटल वगैरह भी था, तो मैंने अपने अबू को दे दिया कि ये आप बैग रख लीजिए। तो ये खून जो है ये मेरे वालिद का ही है। अमूमन तो हमारा रूटीन ये था कि हम लोग 7 स्टार से आते थे, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली 7 स्टार नहीं आई, हम लोग वंडी के रूट पे आ गए। और वहाँ से हम लोग वंडी में आ रहे थे बैठकर, मैं और मेरे वाले साहब, हम लोग दोनों आ रहे थे वंडी में। तो जैसे ही हम लोग बनारस के पुल पर चढ़े, वैसे ही शर्त पसंद नासिर आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो उसके बाद फिर जब मैं मतलब फिर जब मुझे थोड़ा कुछ वो हुआ जहन में मेरे आया, मैं फ़ौरन डर जाती थी गोली की आवाज़ से भी। तो उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, मैं बिल्कुल मैं भी कलमा उलमा पढ़ी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो लोग हम लोगों को छोड़ देंगे। ऐसा ये लोग फायरिंग कर रहे थे जैसा लग रहा था कि कोई भी नहीं बचेगा, तो मैं भी कान बंद करके बिल्कुल कलमा पढ़ी थी। उसके बाद फिर जैसे ही वंडी गाड़ी थोड़ी आगे गई है, तो सब ने कहा गोली लगी है। फिर मैं बोली गोली किसी, मुझे ये इतना भी नहीं सेंस था कि किसी को गोली लग रही है। फिर सब ने कहा कि किसी जेंट्स को गोली लगी है, तो मैं जैसे ही भागते हुए गई, मैं अपने अब्बू से पूछने गई थी बाखुदा, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अब्बू को भी गोली लगी है। मैं ये पूछने गई थी कि अब्बू क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ, मैंने देखा मेरे अब्बू जमीन पे पड़े। पंडित वालों ने कहा कि एक बड़ी बस है, इस पर ये लोग फिर फायरिंग करेंगे, तो ऐसा करो तुम लोग उतर जाओ। और मैं एक सिंपल लड़की हूँ, मुझे इतना कोई जगह का पता भी नहीं था कि कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। तो मैं इसी हाल में अपने वालिद से पूछ रही हूँ कि अब्बू बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं, अब्बू बताइए हम लोग कहाँ जाएं। अब्बू की डेथ हो चुकी थी। मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोले मेरे अब्बू। मैं जैसे ही अब्बू के पास पहुँची के अपने अब्बू को देखो, कुछ भी नहीं बोले। मैं कभी उनके सर को सहला रही, कभी उनको कभी उनसे पूछ रही हूँ अब्बू देखे लो बोले उतर जाओ कहाँ जाओ। उसके बाद मैंने एक एम्बुलेंस देखा, एम्बुलेंस आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, एक एम्बुलेंस आ रही थी तो मैं देखी, मैंने सबसे कहा कि प्लीज़ देखिए मेरे वालिद, सब मरीज़ तो थोड़ा बहुत चिल्ला भी रहे थे, चीख भी रहे थे, और मेरे अबू तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ देखिए आपको खुदा का वास्ता मेरे अबू को ना नीचे उतार दीजिए, मैं एम्बुलेंस में ना हॉस्पिटल पहुँचा दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये गाड़ी अब कहाँ जाएगी। तो फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने नीचे उतरवा दिया। तो जैसे ही मेरे अबू नीचे उतरे हैं और वो एम्बुलेंस की गाड़ी, क्योंकि एक बॉडी जो दरवाजे पे ही थी, मैं फिर जेंट्स में ही चली गई थी, तो एक बॉडी बिल्कुल दरवाजे पे थी, तो वो लोग एम्बुलेंस वाले आए और वो बॉडी उठा के वो लोग फ़ौरन ले गए। तो मैं जब अपने अब्बू को लेके नीचे उतरी हूँ, तो वो एम्बुलेंस वाले जो हैं वो अपना शटर जो लोगों का होता है वो डाउन करके बंद करके वो लोग जा रहे थे। तो मैं देखी कि वंडी गाड़ी भी यहाँ से स्टार्ट होने लगी और फिर वो लोग भी जाने लगे, तो मैं और वो हो गई कि अब ये लोग चले जाएंगे, वो लोग 4 कदम की दूरी पर हैं, आके फिर वो लोग हम लोगों के ऊपर फायरिंग करेंगे, क्या करेंगे वो तो कुछ पता ही नहीं था उन लोगों का। फिर मैंने दोबारा उन्होंने से रिक्वेस्ट की, जब वो गाड़ी जाने लगी, मैं देखी कि कोई भी नहीं है, मैं पूरे पुल पे देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ कभी उधर देख रही हूँ, कोई भी नहीं वहाँ पे। फिर मैंने उन्होंने से दोबारा रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरे अब्बू को हॉस्पिटल लेके चलिए, मेरे अब्बू कुछ नहीं बोल रहे। फिर दोबारा मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो फिर खैर अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिल में रहम दिया, दोबारा उन्होंने गाड़ी रोकी, दोबारा वंडी की बस रुकी वहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे मेरे अब्बू को दोनों को सफ़ार करके फिर हम लोग वहाँ बासी हॉस्पिटल पहुँचे। जब हम लोग बासी हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे वो लोग बॉडी लेके फ़ौरन से चले गए। फिर मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ कि मेरे वालिद अब कहाँ चले गए। फिर जब मैं गई तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि आपके साथ कौन है, मैंने कहा मेरे साथ मेरे वालिद हैं। फिर उन्होंने मुझे ले जा के दिखाया, कह रहे हैं बस सब्र कर।
38 दिन उधर जाने के बाद भी मुझे वो सब चीज़ वैसे ही याद है जैसे ही कल की बात है। आप कह रहे हैं याद, मैंने तो कभी भूला ही नहीं अपने वालिद को। हर पल मुझे वही बात याद आती। मेरे वालिद आखिरी लफ्ज मुझसे यही बोले थे, चलो बेटा बैठ जाओ गाड़ी में। मुझे वो बात याद आती, मेरे कान में गूंजता रहता है वो बात। मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं जेंट्स वार्ड में जहाँ रॉड लगी हुई होती है मैं वहीं पे खड़ी थी क्योंकि सीट नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर पहले अपने वालिद को और दीगर पैसेंजर को जिनको मैं जिंदा देखी थी, मैं उन लोगों को मरते हुए देखी हूँ, उन लोगों का चेहरा चेंज होते हुए देखी हूँ। क्या आप मिसा सकती हैं मिशा इस पेपर को? जी बिल्कुल, ये तो मेरी जिंदगी का, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ी देर बाद हम लोग बनारस से उकल क्रॉस करते हैं और 5 नंबर आ जाता, बस मुझे वहां उतरना था, लेकिन इतनी मोहलत नहीं मिली। अच्छे पापा थे बुरे पापा थे? अच्छे पापा। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि पाकिस्तान की कौम की किस्मत के ऊपर किसी ने शायद कोई तारा लगा दिया हो। रेंजर्स तो साइड में हो जाती है। कराची में पख्तून और महाजर इकट्ठे रह नहीं सकते? इन दोनों का रहना मुश्किल है। यहाँ जो है लैंड माफिया और ड्रग माफिया का बहुत बड़ा एक रोल है।